इस वीडियो में भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताया गया है, जो क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी के बुक से है। तो यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्णन है। क्लास 6, 8, 9, 10, 11, 12 के जो भी बुक हैं उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहां से मिलता रहेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। सभी वर्ग का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो पहला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, विश्व के स्थलीय भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग भारत में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2.4%। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक निश्चित समय अंतराल की आधिकारिक गणना को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जनगणना। उसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। उसके बाद छठा प्रश्न है, भारत में कितने समय अंतराल पर जनगणना होती है? यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ से आप क्लास 10th, 9th के सभी विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो है वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आठवां है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के हिसाब से तीसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से 2001 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद जो है नौवां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद दसवां प्रश्न है, 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 11 नंबर का प्रश्न है, 2001 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप यहां से सभी विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 12वां प्रश्न है, 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 881 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जो है 13 नंबर का प्रश्न है, 2001 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्लास 9th के भूगोल का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2001 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ये क्लास 9th के साथ साथ सभी कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, हर प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर वीडियो
का जो है लाभ लेने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 15वां प्रश्न है, 2001 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो ये वीडियो था भूगोल एनसीईआरटी किताब का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर प्रकार के एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।